लाइक में इसमें काफी सारे काम लास्ट टाइम हुए थे, काफी सारे काम अभी मिट्टी नहीं आएगी इसके अंदर, काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व रखा है। चेक कर सकते हो लीवर गार्ड एंड लीवर पूल में डिजाइनिंग, विंगलेट है, फोर्क प्रोटेक्शन है, फोर्क स्लाइडर है, यार ये देख सकते हो आप, तो कलर मैटर नहीं करता है। देखिए लिया आज के स्टारी टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा R15 पर। वैसे तो पूरे भारत के कोने कोने से हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर हमें प्यार करने वाले आते हैं अपनी शॉप पर। एडिशन होने वाली है, मॉन्स्टर एडिशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा SKT बाइक वर्ल्ड का बोर्ड कुछ इस तरीके का, ये अंदर ये आ रखी, देखो नंबर चेक कर सकते हो आप। PPF लैमिनेशन के बाद फिर इसमें करेंगे। मैं आ गया था 9 बजे। किस जगह से आए थे आप? मैं आया था नूह जिले से। नूह जिला कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? कम से कम पड़ता है 70 किलोमीटर का। 70 किलोमीटर दूर से भैया आए हुए। और इसके अलावा MT में भी काम चल रहा है, यहाँ पर पल्सर N160 है। अब यहाँ पर देख लो आप, फोर प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है, फोर स्लाइडर लगाया जा रहा है, टैनर वाले मिरर हो गए, और हमारे सभी जवान लगे हुए हैं मेहनत करने में, देख सकते हो आप। सो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKT बाइक पर। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया है, आज के स्टारी पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा R15 पर। वैसे तो पूरे भारत के कोने कोने से हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर हमें प्यार करने वाले आते हैं अपनी शॉप पर SKT बाइक पर, और यहाँ पर अपने मनपसंद काम करवाते हैं। और आज भी जो बाइक है वो भी काफ़ी दूर से आई हुई है हरियाणा नूह से, और इसमें जो मॉडिफिकेशन होने वाली है मॉन्स्टर एडिशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इस तरीके का काम कराने के लिए तो अपने शॉप पर जो मिलेगी दिल्ली करोल बाग नायवालन मार्केट फॉर SKT बाइक वर्ल्ड के नाम से। और इसी तरीके की हर बाइक की अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका जो भी बाइक है, जो भी स्कूटी है, गूगल पर लिख कर आगे SKT बाइक वर्ल्ड लिखोगे तो मेरी सारी अपडेट हो जाएगी। आप यूट्यूब पर तो आप चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और मेरी जो शॉप है वो मिलेगी आपको दिल्ली करोल बाग नायवालन मार्केट। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का अपना लोकेशन रहता है, और बाइक भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा SKT बाइक वर्ल्ड का बोर्ड कुछ इस तरीके का, ये अंदर हमारी शॉप, टू साइड ओपन, और यहाँ पर जो बाइक है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये आ रखी है, देखो नंबर चेक कर सकते हो आप, तो ये आ गया मॉन्स्टर एडिशन। और इसमें पहले PPF लैमिनेशन वगैरह कर रहे हैं, PPF लैमिनेशन के बाद फिर इसमें करेंगे कुछ और मॉडिफिकेशन, अभी इसमें भी काम चल रहा है। इसमें फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर वगैरह लगाया जा रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर शार्क पिन मड गार्ड लग चुका है। भाई साहब आ चुके हमारे साथ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे आ गए थे? मैं आ गया था 9 बजे। किस जगह से आए थे आप? मैं आया था नूह जिले से। नूह जिला कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? कम से कम पड़ता है 70 किलोमीटर का। 70 किलोमीटर दूर से भैया आए हुए हैं, भैया से लास्ट में बात करेंगे, अभी रिव्यू नहीं लेंगे क्योंकि काम हुआ नहीं है। और साइड स्टैंड एक्सटेंडर लग चुका है, और इसके अलावा MT में भी काम चल रहा है। यहाँ पर पल्सर N160 है, जिसमें अलग अलग तरीके के काम चल रहे हैं, शॉप के अंदर भी गाड़ियाँ, उसके अंदर भी काम चल रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो आप, फोर प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है, फोर स्लाइडर लगाया जा रहा है, टैनर वाले मिरर हो गए, और हमारे सभी जवान लगे हुए हैं मेहनत करने में, देख सकते हो आप। यहाँ पर अपने लीवर आ गए, लीवर गार्ड्स आ गए, हैंड ग्रिप आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इसको फाइनल करके दिखाएंगे। और R15 पर हमने ऐसा कुछ है नहीं जो छोड़ा हो, फिर भी कुछ ना कुछ नया आ जाता है, और आप लोग शेयर कर देते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप कॉल पर बात कर सकते हो, बाकी अपने पास कोई भी बाइक हो आप लेकर आ सकते हो SKT बाइक वर्ल्ड पर। तो करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं फाइनल पर। बीच इस R15 के अलावा एक यहाँ पर है मैट ब्लैक में, इसमें काफ़ी सारे काम लास्ट टाइम हुए थे, काफ़ी सारे काम अभी हुए हैं, जैसे कि इसमें शार्क पिन मड गार्ड लगाया है, क्योंकि यार ये देख रहा हूँ ना मिट्टी, अभी मिट्टी नहीं आएगी इसके अंदर, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व। लास्ट टाइम हमने V4 का एग्जॉस्ट का कवर लगाया था, ग्रैब रेल लगाए थे। इसके अलावा यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है, चेक कर सकते हो, लीवर गार्ड एंड लीवर पूरे चेंज है इसके, एडजस्टल वाले। यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी लगा हुआ है, और इसी तरीके से इसकी आइज़ में डिजाइनिंग, विंगलेट है, फोर्क प्रोटेक्शन है, फोर्क स्लाइडर है, और गाइस रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें हो रखी हैं यार, ये देख सकते हो आप। तो कलर मैटर नहीं करता है, आप लोगों को जो कराना है वो आप करा सकते हो गाइस। चेक कराता हूँ फाइनल रिजल्ट यामाहा R15 मॉन्स्टर एडिशन पर कैसा लुक आया इसका। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तब भी आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो अपनी शॉप पर। तो मैं इसका लुक चेक कराता हूँ, फाइनल रिजल्ट चेक कराता हूँ कैसा आया है। हर बार की तरह इस बार कुछ ना कुछ नया है, और बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं अपनी बाइक का काम कराते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और करते हैं स्टार्ट, आप लोगों को दिखाते हैं फाइनल बाइक कैसी बनी है। ओए होए होए होए, क्या तो चीज़ है भाई। एक तो ये मॉन्स्टर एडिशन है, और ऊपर से इसमें जो मॉडिफिकेशन हो गई है, तो ये इसको एक अलग लेवल पर लेके जा चुका है गाइस। तो इसको हम आपको दिखाते हैं एक एक करके, इसको एक बार उतार के ना ऐसा लगाना एक बार, तो एक बार यार लुक चेक करो इसका ऐसे करके, क्या तो लुक है भाई। अब इसे पैडॉक पे हटा कर फिर आपको जो है दिखाते हैं। पैडॉक पे लगाने से ये फ़ायदा रहता है यार, एक एक चीज़ जो है ना सही से हो जाती है, जैसे विंग्स वगैरह लगा रखे हैं तो बैलेंस वगैरह बन जाता है, चेक हो जाता है, तो उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। इसको एक बार हम ऐसे लगा लेते हैं, फिर चेक कराते हैं फाइनल लुक इसका कैसा है। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पास मॉन्स्टर एडिशन हो, कोई भी बाइक हो, किसी भी सेगमेंट की हो, FZ हो या फिर अपाची हो,
या फिर ये अपनी ब्यूटी है या फिर अंदर खड़ी है अपनी ZX10R, वैसा भी कुछ ना कुछ कराना हो तो आ सकते हो अपनी शॉप पर। बस जी बस ही छोड़ दो आप, थोड़ा सा और कर देते हैं इधर, ठीक है जी। तो गाइस का फ्रंट का लुक चेक करो, क्या तो लुक आ रहा है, ओए होए 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 होए, यहाँ पर बबल वाइजर लगा हुआ है, एक्चुअली डबल बबल वाइजर, इसमें डबल बबल आ रहा है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। लुक चेक करो यार, क्या तो लुक है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ रहा है। विंगलेट भैया ने बोला था हमें ब्लू चाहिए तो ब्लू लगा दिया भाई, ये विंगलेट हो गई। और अंदर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर सस्पेंशन के इस टाइप पर देखो आप, आपने गोल्डन कलर के बहुत सारे देखे होंगे, इस बार हमने ब्लू का टच लिया है क्योंकि ब्लू 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 फोर प्रोटेक्शन फोर स्लाइडर ब्लू कलर के लगा दिए हैं, जो कि सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए है, इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपके डिस्क प्लेट आपके सस्पेंशन मडगार्ड ऑल अबाउट सेफ। बाकी लुक तो यार वो अलग नंबर का है, यहाँ पर आती है नंबर प्लेट, आप लोगों को पता ही है। तो नंबर प्लेट हटाकर अब हमने कर दी है इस जगह पर, ये चेक करो गाइस, तो ये नंबर प्लेट होल्डर लग गया। इसके अलावा भी काफी सारे डिजाइन और हैं नंबर प्लेट के, यहाँ पर छोटे छोटे विंग्स लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, बहुत ही प्रीमियम लगते हैं भाई। और साथ ही में इंडिकेटर, तो इंडिकेटर आपने काफी सारे देखे थे, इस बार हमने इंडिकेटर चेंज कर दिए, बहुत ही जबरदस्त, ये देखो गाइस छोटे छोटे और काफी यूनिक है, इनफेक्ट मैंने अपनी बाइक में भी लगा रखे हैं, पूरा सेट लगा रखा है। ये देखो यहाँ बड़े वाले आ गए, यहाँ छोटे वाले आ गए, वो पापा आ गया, ये बच्चे आ गए, तो ये इस जगह पे लग चुके हैं। PPF लेमिनेशन फुल बाइक, अभी मैं इसकी फाइनल ईयर उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ फाइनल ईयर का कमाल। अभी गाइस क्या है ना, इसकी फाइनल ईयर इसलिए नहीं उतारते हैं, काम करते टाइम कोई स्क्रैच ना लगे, अब फाइनल ईयर उतारूंगा फिर देखना शाइनिंग और चमक कितनी आती है। ये देखो गाइस इसी तरीके से पूरी बाइक पे किया गया है ताकि स्क्रैच वगैरह जो है किसी भी तरीके से पता ना चले, ना लगे स्क्रैच वगैरह। ये देखो गाइस, तो ये इसकी लेयर उतर गई और इसी तरीके से बाकी भी उतार दो जहाँ जहाँ लगी हुई है। ये लो जी, अब देखो गाइस शाइनिंग और चमक, ये PPF हो गया। आप लोगों को मैट में कराना तो मैट में करा सकते हो, 10R स्टाइल वाले मिरर विद इंडिकेटर, ये लो जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई। इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बंद भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। फोर्क प्रोटेक्शन आप लोगों ने देख ही लिए, अब आप देख लो व्हील कवर दोनों तरफ हाफ लगाए हुए, इस साइड भी हाफ और इस साइड भी हाफ। आप लोगों को फुल लगाना है तो फुल भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आप लोगों को हाफ ही लगाना है। इसके अलावा साइड स्टैंड एक्सटेंडर और इसी तरीके से इसकी PPF भी है, तो इसकी भी लेयर उतारना बाकी है। ये देखो गाइस, इस साइड से भी चेक कर लो आप लेमिनेशन का, उस साइड की लेयर उतारनी बाकी है अभी, तो उतारते हैं। बाकी हैंडल बार पर आते हैं, हैंडल बार पर सबसे पहले आप देखो एडजस्टर वाले लीवर लगा रखे हैं जो कि CNC में होते हैं, साथ ही यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं, इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपके जो है क्लच लीवर डैमेज नहीं होंगे। हैंड ग्रिप लगा रखी है ब्लू कलर की और सेम कॉन्सेप्ट इस साइड में है। मोबाइल होल्डर लगा रखा है हैवी वाला और इसी तरीके से आते हैं बैक साइड में शार्क मडगार्ड लगा रखा है, जो मिट्टी वगैरह अंदर जाती है तो वो अब अंदर नहीं जाएगी, इस जगह पर आ चुकी है आपकी। उसी तरीके से हैजार्ड सेटअप लगा रखा है और लुक इस तरीके का बन रहा है ये सारी मॉडिफिकेशन कराने के बाद मॉइस्चर एडिशन में। बाकी बहुत सारी चीज़ें और होती है जैसे कि इसमें एग्जॉस्ट चेंज कराना है आपने, तो वो आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं भाई से कि उनको काम कैसा लगा। तो भैया का काम हो चुका है कंप्लीट, और कुछ करना चाहते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, एकदम काम अच्छा हुआ है, आओ और करवाओ और आके देखो एकदम सिकंदर भाई फुल काम। कितने 80 किलोमीटर दूर से आए थे ना? 80 किलोमीटर दूर से आप मुझे लाए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कैसी? चलो भैया काम अच्छा हुआ है तो कस्टमर का रिव्यू हो चुका है। बाकी कोई दिक्कत अगर आपको लगती है लोकेशन को लेकर तो आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करो। दिल्ली के रहने वाले तो करोल बाग नए वाला मार्केट और SKD बाइक पर आ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।